हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए रेडी बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि कौन सी ब्रांच ली जाए, किस ब्रांच के अंदर जॉब की स्कोप ज़्यादा है, कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सी ब्रांच बुरी है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में आती हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी ब्रांच बुरी नहीं है। हाँ, सही सुना आपने, कोई भी ब्रांच बुरी नहीं है। यदि आप हार्डवर्किंग हैं और यदि आपने इंटरेस्ट की ब्रांच ली है तो कोई भी ब्रांच बुरी नहीं है। हर एक ब्रांच के अंदर जब आप पास आउट होगे तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। अब और कौन से पॉइंट ध्यान रखे जाए, कैसे हम पहचाने कि कौन से आपके इंटरेस्ट की ब्रांच है, कौन से नहीं है। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भीड़ के साथ मत चलो, भेड़ चाल में मत चलो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज हर कोई स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच की तरफ भाग रहा है। 5 years पहले की बात करते तो वहाँ उस टाइम कोई किसी दूसरी ब्रांच की तरफ भाग रहा था। 10 साल पहले देखते तो उस टाइम कोई किसी दूसरी ब्रांच की तरफ भाग रहा था। तो ये ट्रेंड मार्केट का तो चेंज होता रहेगा। लोग आज हमारे पास आके पूछते हैं, सर इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, कैसे जॉब लग जाएंगी, कितनी जॉब है। हम कहेंगे कि आज की सिचुएशन क्यों देख रहे हो आप, 4 साल बाद की देखो ना। आपका स्टूडेंट, आपका जो वार्ड है वो 4 साल बाद पास आउट होगा, तो 4 साल बाद क्या सिचुएशन होगी वो हम नहीं बता सकते। तो इस चीज़ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए कि आपको भीड़ चाल में नहीं चलना, आपको अपने इंटरेस्ट को पहचानना है। अब भीड़ चाल की बात करें तो हालात यहाँ तक है कि जब एक ब्रांच का ये पता लगा कि इस ब्रांच में लोगों का इंटरेस्ट है, तो उस ब्रांच के लिए इतने ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ने अडॉप्ट कर लिया, ले लिया उस ब्रांच को, कि अब जब पास आउट होंगे स्टूडेंट्स उस ब्रांच के अंदर तो हजारों लाखों की संख्या में पास आउट होंगे। मैं आपको नॉर्थ इंडिया का एक एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम में लोग कंप्यूटर्स की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो क्या किया यूनिवर्सिटीज़ के ने, स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने, आप देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान वगैरह के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक एक यूनिवर्सिटी ने एक फर्स्ट ईयर में जो एंट्री लेवल है वहाँ 1500 मीन्स 1500 से 2000 तक बच्चों की एंट्री ले रहे हैं सिर्फ कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंदर, कंप्यूटर ब्रांच के अंदर। इट मीन्स ये क्या हुआ कि जब 4 साल बाद वो बच्चे पास आउट होंगे तो लाखों की संख्या में वो बच्चे पास आउट होंगे। तो बच्चे क्या देखते हैं कि सब कंप्यूटर में जा रहे हैं, सब कंप्यूटर में जा रहे हैं। तो आप ये भी देखिए साथ में कि जब सब लोग कंप्यूटर में जा रहे हैं तो क्या उतने टाइम्स वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ये जरूर देखिए। दूसरा, ये यदि आप एक मैकेनिकल ब्रांच को देखते हैं या एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को देखते हैं, एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच को देखते हैं, तो वहाँ जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं वो लिमिट में पास आउट हो रहे हैं, बहुत अनलिमिटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ जो उनकी जॉब्स हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग सफिशेंट होंगी। और जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए जब जॉब होंगी, वो भले ही कंप्यूटर के अंदर जो जॉब है वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक या इनसे ज़्यादा हो, लेकिन उतने जितने स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं उनके लिए सफिशेंट नहीं होंगे वो। यहाँ मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि जब सॉफ्टवेयर कंपनीज सिलेक्शन के लिए आते हैं, कॉलेज में सिलेक्शन के लिए आते हैं, जब या जब वो एप्लीकेशन इनवाइट करती हैं, तो उस टाइम वो अपनी जॉब ओपनिंग्स को सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए खुला रखती हैं। इट मीन्स सॉफ्टवेयर कंपनीज की जॉब में किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट जा सकता है। और यदि मैं ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर्स, आईटी, ये सभी स्टूडेंट्स तो सर्टेनली सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आईआईटी, एनआईटीज वगैरह के अंदर मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट्स भी उसके अंदर बैठते हैं। हर ब्रांच के स्टूडेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज के टेस्ट में बैठते हैं और उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में यदि आपको जाना है तो आपकी कोई भी ब्रांच हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर से ही पास आउट हो या आईटी से ही पास आउट हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पास आउट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने इंटरेस्ट को पहचानो, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप ब्रांच सेलेक्ट करो। अब स्टूडेंट्स कहेंगे हमें इंटरेस्ट का कैसे पता लगेगा, थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ यहाँ पर। यदि आपको 11th क्लास की फिजिक्स में इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू 12th क्लास की फिजिक्स,
यदि आपको 11th क्लास की फिजिक्स अच्छी लगती है तो इट मींस सिविल और मैकेनिकल ब्रांच आपके लिए सुटेबल है। 11th क्लास की फिजिक्स में क्या आता है, फोर्स आ गया, मोमेंटम आ गया, ठीक है, और एनर्जी वगैरह इन सब चीज का वहाँ है, मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, मैकेनिक्स है वो। तो इट मींस सिविल और मैकेनिकल ब्रांच आपके लिए सुटेबल है। यदि आपका इंटरेस्ट 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो इट मींस इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपके लिए सुटेबल ब्रांच है। यदि आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा है तो आप पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग की तरफ जाइए, या प्लास्टिक इंजीनियरिंग की तरफ जाइए, या केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाइए, इन ब्रांचेस की तरफ आप जा सकते हैं। तो एक ब्रॉड सा आइडिया दिया मैंने आपको यहाँ पर। और एक चीज़ और बताता हूँ कि यदि आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप उन ब्रांचेस की तरफ जाइए जहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस में ज़्यादा होते हैं, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, या सिविल इंजीनियरिंग हो गया, तो इनके अंदर मैथमेटिकल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि आपका मैथ अच्छा है तब आप इनको सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या आपको स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस की तरफ जाना चाहिए, क्या वो सिलेक्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो डिसीजन तो आपका होगा, जस्ट मैं एक गाइड कर रहा हूँ आपको। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो स्पेशलाइज ब्रांच हैं यदि आप उनको सिलेक्ट करते हो तो आप उस एक फील्ड के मास्टर हो जाते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कंप्यूटर्स के अंदर स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइज ब्रांच आजकल आ रही है साइबर सिक्योरिटी। यदि आप साइबर सिक्योरिटी ब्रांच से आप बीटेक कर लेते हो तो आप साइबर सिक्योरिटी के मास्टर हो गए। अब क्या है कि जो साइबर सिक्योरिटी की जो जॉब्स निकलेंगी उसके अंदर आपके जॉब लगने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन इस यहाँ एक लिमिटेशन ये भी है कि अब आपका स्कोप दूसरे ब्रांचेस की तरफ, जो कंप्यूटर के दूसरे डिसिप्लिन हैं उनकी तरफ खत्म हो जाएगा। इट मींस क्या हुआ कि जब आप कोई स्पेशलाइज ब्रांच लेते हो तो किसी पर्टिकुलर नैरो फील्ड के अंदर तो आपके जॉब लगने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जो जिन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो वो दायरा बहुत सीमित हो जाता है। तो अब आपको देखना है कि आप स्पेशलाइज ब्रांच से बीटेक करते हो या एक जनरल ब्रांच से करते हो, वो चीज़ अब आपको देखनी है। यहाँ एक पॉइंट और है, जब गवर्नमेंट जॉब निकलती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में टीचिंग की है या कॉलेज के अंदर है या हमारे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एज ए इंजीनियर्स हैं, तो वहाँ जो स्पेशलाइज ब्रांच हैं उनको समटाइम्स कंसिडर नहीं किया जाता, वो लिखी हुई नहीं होती। जब एडवर्टीजमेंट निकलती है तो उसमें स्पेशलाइज ब्रांच नहीं लिखी होती, तो क्योंकि स्पेशलाइज ब्रांच तो बहुत ज़्यादा है और डे बाय डे न्यू आ रही है, तो उस टाइम प्रॉब्लम आती है, उस टाइम उन लोगों के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो आप बड़े ध्यान से देखिए कि आपको स्पेशलाइज ब्रांच से बीटेक करनी है या नहीं करनी, वो डिसीजन आपका होगा। यहाँ देखिए, अब कुछ ब्रांचेज मैं दिखा रहा हूँ, ये इंजीनियरिंग की कुछ ब्रांचेज हैं जो जनरली अवेलेबल हैं, इसमें स्पेशलाइज ब्रांच भी हैं और कुछ जनरल ब्रांच भी हैं। तो एक नज़र डाल लीजिए इनके ऊपर और इनके बारे में डिटेल में मैं फ्यूचर में जो अपने एपिसोड्स आएंगे उनके अंदर मैं डिस्कस करता रहूँगा। हर एक वीडियो के अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के या डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करूँगा, तो इनके ऊपर आप एक नज़र डाल लीजिए, ये सभी ब्रांचेस हैं। तो यहाँ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि ब्रांच को कैसे सिलेक्ट किया जाए, ब्रांच सिलेक्ट करते हुए क्या क्या चीज़ पॉइंट ध्यान रखने चाहिए, वो चीज़ हमने डिस्कस की। आगे भी हम इस तरीके के वीडियो लेके आते रहेंगे करियर गाइडेंस के लिए, और आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर जरूर जाइए, प्लेलिस्ट के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप के वीडियोज़ मिलेंगे। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।